यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को शुक्रवार को राहत मिली। सूबे में कई स्थानों पर बारिश अच्छी हुई, हालांकि इस दौरान मैदानी इलाकों में आंधी और तूफान से नुकसान हुआ है। शिमला सहित अन्य जिलों में दोपहर को बादलों का गर्जना शुरू हो गया था, जिसके बाद इंद्र देवता ने मेहरबानी दिखाई और राहत की फुहारों से सबको खुश कर दिया। जानकारी के अनुसार धर्मशाला और कांगड़ा में ओलावृष्टि हुई है, जबकि ऊना, बिलासपुर, मंडी और सोलन में तेज तूफान आया। राजधानी शिमला सहित सभी जिलों में अधिकतम तापमान में भी 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मिली रिपोर्ट के अनुसार कांगड़ा के बैजनाथ में सबसे ज्यादा 48 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने शनिवार को प्रदेश भर में मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। तो लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। जहां मैदानी इलाकों की बात की जाए तो वहां पर तूफान हुआ है, गर्जना हुई है, और अगर ऊपरी इलाकों की बात की जाए वहां पर ओलावृष्टि भी देखने को मिली है। तो बारिश के चलते गिरावट भी तापमान में दर्ज की गई है। लोगों को भीषण गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिल गई है। और शिमला की बात कर ली जाए, पर्यटक वहां पर घूमने के लिए आए थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिल गई है और तापमान में 1 से 2 डिग्री गिरावट दर्ज की गई है, और इसी के साथ भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है।